कई बार एक सवाल आता है कि जो डोरी का केस होता है उसका कोई लॉजिक भी होता है या डायरेक्टली महिला पुलिस थाने पहुंचते ही एक्सेप्ट हो जाता है। देखिए मैं आज इसका पूरा प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाला हूं और वाकई इसमें कौन सी क्या क्या कमियां होती है वो चीज़ भी आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए इसका लॉजिक क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के बाद में एक जजमेंट दिया था कि अगर महिला के साथ कोई भी प्रताड़ना हो रही है या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो पुलिस उसका केस जरूरी है कि उसका केस एक्सेप्ट करे, चाहे वो झूठा है चाहे वो सच्चा है, सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन में बाद में कर सकती है। अब आगे चलकर आपको पता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दहेज केस में कैसे होती है कैसे नहीं होती है, यह आपको पूरा प्रैक्टिकल चीज़ का पता होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका एक ही राज्य है लेकिन स्टेट आपका जो डिस्ट्रिक्ट है दोनों के अलग अलग है। कई जगह तो ये भी होता है कि साहब आपके दोनों के स्टेट अलग अलग होते हैं। अब बाई चांस जहाँ की लड़की रहती है दूसरे स्टेट की लड़की है तो घटना घटी पति वाले स्टेट में, लेकिन पत्नी ने जाके केस किया अपने स्टेट में जाके या अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके। अब एक्चुअल में होना तो क्या चाहिए कि जो लोकल पुलिस है जो पति का एरिया है वहाँ की पुलिस के पास होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने का राइट, क्योंकि घटना तो वहाँ पर घटी है। अब बाय चांस मान लीजिए कि किसी की शादी जयपुर में हुई, लड़की रहने वाली है बेंगलोर की, अब घटना तो जयपुर में घट रही है लेकिन बेंगलोर की पुलिस के पास 498 का केस दर्ज होगा। अब वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जयपुर थोड़ी आएगी, नहीं आएगी ना कभी। 90% रियर केस में कोई भी आ जाता है लेकिन 99% बैठ के पुलिस थाने में बैठ के चार्जशीट बनाई जाती है। लोग बार बार कहते रहे साहब ये कौन सी लॉजिक हो गया कि 498 केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले कर लेते हैं, वही तो केस बना लेते हैं, वही चालान बना देते हैं, सब कुछ है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। ये चीज़ आपको सुनने में आती होगी लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी कमजोरियाँ भी है डोरी केस के मामले में। लेकिन निर्भया केस के बाद में क्या हुआ था कि भाई एक्सेप्ट तो होना ही है महिला का, चाहे वो झूठा हो चाहे वो सच्चा केस हो एक्सेप्ट करना ही है। जुडिशरी एरिया कहीं का भी बना सकती है, वह ससुराल में भी मायका में भी और करंट पोजिशन में जहाँ रहती है वहाँ की, तीन जगह जाके वो बना सकती है। अगर कहीं से भी वो केस करना चाहती है 0 FIR भी कर सकती है, आपको सबको पता है। लेकिन बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो होती है दहेज केस की जो जांच पड़ताल होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। पुलिस थाने में बैठ के मैक्सिमम चार सीटें तैयार होती है डोरी केस के मामले में, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना। कहते ना ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करती पुलिस मैक्सिमम केसों में, यही दिक्कत होती है कि अगर प्रॉपरली तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए और प्रॉपरली इसका लॉजिक हो जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मामले कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो गई। जैसे कि कोई आपके पास एविडेंस नहीं आ रहे किसी भी टाइप के, भाई कोई भी एविडेंस नहीं दे रही पत्नी है, तो उस सिचुएशन में आपको उसको क्लोजर रिपोर्ट लगा देना चाहिए, सबसे बेस्ट यही होता है। और दूसरी बात, आपको एक बार इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली जाके करना चाहिए पुलिस को, मैक्सिमम कहीं 2% 10% मान लो, 90% तो इन्वेस्टिगेशन होती है वो थाने में बैठ के ही होती है दहेज केस में। तो इसका जो लॉजिक होता है बहुत डिफरेंट होता है लॉजिक, खास करके दहेज केस का। ऐसा लगता है कि यार घटना कहाँ पे घट रही है, कहाँ की पुलिस में केस हो रहा है, कहाँ चार्जशीट तैयार हो रही है, कहाँ चालान हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आता इसका लॉजिक पूरी तरह से। कई लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं, बार बार ये भी सोचते रहते हैं साहब अब मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई है, आप सोचिए कि आपकी शादी एक स्टेट में हरियाणा से बिलोंग कर रही हो, आपकी शादी यूपी में हो गई है साहब, अब घटना आपके साथ जो भी प्रताड़ना हुई थी वो हरियाणा में हो रही है, मतलब प्रैक्टिकल तो एक्चुअली में आपकी जो घटना हरियाणा में घट रही है वहाँ की पुलिस के पास नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है उसका राइट बनेगा इसमें, लेकिन आपकी यूपी में जाके पूरी FIR दर्ज होगी। अब यूपी वाली पुलिस क्या आपके घर पे आएगी, कभी कभी रेयर केसों में कई बार आ भी जाती है लेकिन 90% केसों में नहीं आती, आपको वहीं बुलाया जाता है, वहीं पे 41A का नोटिस दे दिया जाता है, बाय डाक के थ्रू नोटिस जारी कर देती है, फ़ोन के थ्रू आपको सूचना दे दी जाती है, उसके बाद वहीं पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भैया इसका लॉजिक है ना काफ़ी लोगों को काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी कन्फ्यूज भी करता है, वाकई कन्फ्यूज वाला भी है ये सिस्टम। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहिए कि जो भी घटना जहाँ की भी घटती है वहाँ की पुलिस के पास इसका पावर होना चाहिए, वही पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ठीक है, भले ही उसका केस कहीं भी हो लेकिन लोकल पुलिस का उसमें अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी एरिया आपका पास है। अब यूपी की पुलिस राजस्थान में जाके काम करे तो आप बताइए, पहली बात उनको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, दूसरी बात वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये इस वजह से हमेशा जो ये पूरा एक कन्फ्यूज टाइप का रहता है, इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, यही कारण है कि दहेज के मामले
कोर्ट में सबसे ज़्यादा जाते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी खुद पुलिस को पावर दे नहीं रखा, कभी भी इतना पावर नहीं दे रखा कि भैया आपके पास इतना पावर हो कि आप उठा के इन्वेस्टिगेशन करो या फिर उसमें अरेस्ट करो या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, उसके लिए मजिस्ट्रेट के पास से परमिशन लेना पड़ता है अगर दहेज केस में अरेस्ट भी करना होता है। तो ये कुछ खामियाँ हैं दहेज केस में जिनको चेंजिंग होनी चाहिए और वाकई प्रॉपर इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज के डेट में। छोटी छोटी बातों में 498 के केस होते जा रहे हैं, इसका लॉजिक सीधा समझ में आना चाहिए आपको भी।